एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, इंकलाब, मजदूर एकता, मजदूर एकता। आज दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी मजदूर भाइयों को मेरा सलाम, मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मजदूर दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। पूरे देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। आम आदमी पार्टी बनी, पहले 28 सीट आई, फिर 67 सीट आई। भारत तो क्या, दुनिया के इतिहास में बताते हैं किसी पार्टी को इतना भारी बहुमत नहीं मिला जितना आप लोगों की आम आदमी पार्टी को 67 सीट 70 में से मिली थी। मैं हमेशा यह कहता हूं कि ये जो 70 में से 67 सीट आई, इतना भारी बहुमत आया, ये गरीबों की वजह से, मजदूरों की वजह से हमारी इतनी सीट आई। गरीबों ने हमको वोट दिया, अमीरों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया था, अमीरों की वजह से नहीं आई थी। सरकार में आने के बाद, जब से सरकार बनी है, खूब काम किए हैं। सबसे बड़ा आरोप आज हमारी पार्टी पे, हमारी सरकार पे लगता है, ये बीजेपी कांग्रेस वाले कहते हैं, अरे ये तो गरीबों की पार्टी है, 24 घंटे इनके ऊपर, इनको केवल गरीबों की सूझती है। हां, हम गरीबों की पार्टी, हमें फक्र है हम गरीबों की पार्टी है। हमें फक्र है कि हम नीरव मोदी की पार्टी नहीं है, हम अंडानी की पार्टी नहीं है, अंबानी की पार्टी नहीं है, हम विजय माल्या की पार्टी नहीं है, हम इन मजदूरों की पार्टी है, हम गरीबों की पार्टी है। हमारे ऊपर आरोप लगता है, इनको तो जब देखो कभी बिजली सस्ती कर देते हैं, कभी पानी मुफ्त कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, अगर कोई एक व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश है दिल्ली का, तो वो है गरीब व्यक्ति। गरीब बड़े खुश है, मजदूर बड़े खुश हैं। क्यों? अब उनके घर में पैसे बचने लग गए। बिजली के कम 2-3 हजार रुपए महीना लोगों का बचने लग गया। बचने लग गया कि नहीं बचने लग गया? बिजली के बिल किस किस के कम हो गए, जरा हाथ खड़े करके बता दो जरा से, ये टीवी वाले दिखा दो जरा से। अरे मोड़ दो यार, कैमरा दिखाओगे नहीं, एक बार कैप्चर तो कर लो। पानी के बिल किस किस के मुफ्त हो गए, जरा से हाथ खड़े कर दो। सबके हो गए। कम से कम 3-4 हजार रुपए महीना बच रहा होगा। बच रहा है कि नहीं बच रहा, या ज्यादा बच रहा है? ज्यादा बच रहा है। सरकारी स्कूल अच्छे हुए कि नहीं हुए, जरा से हाथ खड़े कर दो। मोहल्ला क्लिनिक अच्छे बने कि नहीं बने, जरा से हाथ खड़े कर दो। ये असली देश का विकास है, ये असली देश का विकास है। जब गरीब आदमी खुश होता है देश के अंदर, तो उसके मन से सीस निकलती है, आशीर्वाद निकलता है उसके मन से। दोस्तों, हमने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई, पहले 9,500 रुपए महीना होती थी। हमारा मानना था कि गरीब, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, हर चीज के दाम बढ़ गए, हर चीज के दाम बढ़ गए,
हमारा मानना था 9,500 रुपए के अंदर मजदूर गरीब आदमी अपने घर का खर्चा नहीं चला सकता। ये पहले कमेटी वाले बैठा करते थे और कैलकुलेट किया करते थे, एक आदमी को जिंदा रहने के लिए क्या कहते थे जी, 2100 कैलोरी की जरूरत है, 2100 की जरूरत है। अरे जानवर है आदमी, 2700 कैलोरी के हिसाब से तुम उसको तनख्वाह दोगे? आदमी है, अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, कपड़े खरीदेगा नहीं खरीदेगा, और अगर महीने में एक पिक्चर देखा है तो कोई गुनाह कर दिया क्या उसने? इतने पैसे तो मिलने चाहिए। अगर कोई अच्छी पिक्चर लगी हो अपने बच्चों को पिक्चर दिखाने ले जाएगा नहीं ले जाएगा? आज एक पिक्चर दिखाने ले जाओ 2000 रुपए से कम नहीं लगते भाई साहब। तो कहते 2700 कैलोरी के हिसाब से उनको देंगे। हमने कहा ना ये नहीं चलेगा तुम्हारा, 2700 कैलोरी जानवर थोड़ी हमारे मजदूर, 2700 कैलोरी के हिसाब से देना है तो IAS अफसरों की तनख्वाह 2700 कैलोरी के हिसाब से लगा लो तुम, हमारे मजदूरों को 2700 कैलोरी के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने कमिटी बनाई और इसके लिए मैं गोपाल राय जी को बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से इन्होंने डट के और पीछे पढ़ पढ़ के इन्होंने कमिटी बनाई। आप लोगों को पता है रोज अखबारों में पढ़ते हो जिस तरह से हर कदम के ऊपर ये लोग अड़चन लड़ा रहे हैं। फिर कमिटी ने 5 महीने, उस मैं कमिटी भी बता दूं, एक कमिटी बनती है जी न्यूनतम मजदूरी के लिए, उसमें अफसर होते हैं, उसमें मजदूरों के नुमाइंदे होते हैं और उसमें उद्योगपतियों के और व्यापारियों के नुमाइंदे होते हैं। ट्राइपार्टाइट कमिटी बनती है। अब वो आपके ऊपर है, कमिटी हम ऐसी भी बना सकते थे, ऐसे ऐसे आदमी डाल देते जो कहते जी 2700 कैलोरी के लिए तो इतना ही पैसा चाहिए, 9,500 की भी जरूरत नहीं, 8,000 कर दो, ऐसी भी कमिटी बना सकते थे। हमने ऐसे लोग रखे कमेटी के अंदर जो मजदूरों के हित की बात करते हैं, मजदूरों के भले की बात करते हैं, जिनके दिल के अंदर मजदूरों का दर्द है, ऐसे लोगों को कमेटी में रखा। अप्रैल में कमेटी बनी थी, अगस्त में उसने रिपोर्ट दी, LG साहब को हमने रिपोर्ट भेजी। LG साहब ने पता है फाइल पे क्या लिखा? LG साहब ने लिख दिया ये जो कमेटी बनाई थी, कमेटी बनाने के पहले हम आपने मेरी अप्रूवल नहीं ली। हमने कहा जी अब ले रहे हैं अप्रूवल, अब दे दो, अब फाइल भेजी तो है आपके पास। मैं खुद गया LG साहब के पास, हाथ जोड़ के मैं खड़ा हो गया LG साहब के पास। मैंने कहा जी गरीबों का मामला है, दुआ देंगे आपको, पुण्य लगेगा आपको। LG साहब नहीं माने, उन्होंने फाइल पे लिख दिया कमेटी के बनाने के पहले आपने अप्रूवल नहीं ली, दोबारा बनाओ कमेटी। इतनी हिटलर शाही भाई साहब मैंने जिंदगी में नहीं देखी। आंदोलन मैंने भी बड़े करे और बहुत बड़े बड़े अन्याय के खिलाफ करे, लेकिन इस तरह की हिटलर शाही मैंने नहीं देखी। LG साहब ने फाइल पे कमेटी बर्खास्त कर दी, सारी उसकी सिफारिशें बर्खास्त कर दी, बोले दोबारा बनाओ, यही कमेटी बना लो दोबारा बनाओ। हमने दोबारा कमेटी बनाई, वही आदमी रखे, सेम टू सेम, एक भी नहीं बदला, वही आदमी रखे। उस कमेटी ने फिर 4 महीने वही काम किया, वही मीटिंग करी सेम टू सेम, और फिर उसके बाद वही सिफारिशें दी सेम टू सेम। 6 महीने बीत गए, 6 महीने के बाद दोबारा सिफारिशें गई LG साहब के पास, अब LG साहब ने साइन कर दिया। ये क्या दिखाता है? गरूर है, सत्ता का गरूर है, घमंड है। पहले ही कर देते साइन अगस्त के महीने में, 6 महीने बच जाते कि नहीं बच जाते? सत्ता के नशे के अंदर जिस तरह से उन्होंने किया, बहुत गुस्सा आया मेरे को, बहुत ज्यादा, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हम जिस तरह से अंदर लड़ रहे हैं गरीबों के लिए, हम जिस तरह से अंदर लड़ रहे हैं आपके बिजली के रेट कम कराने के लिए, इतना लड़ना पड़ता है इन लोगों से, इनका बस चले तो इन बिजली कंपनियों को दुगनी कर दें ये बिजली के रेट दिल्ली के अंदर, इनका बस चले पानी कंपनियों के रेट डबल कर दें आज दिल्ली के अंदर, लड़ना पड़ता है, खून का घूंट पी के रह जाते हैं हम लोग अंदर। लेकिन अल्टीमेटली आपके रेट बढ़े, मिनिमम वेज बढ़े 13,500 रुपए, मुझे बेहद खुशी है।
आज कई सारे मजदूर हैं जिनको 13,500 रुपए के हिसाब से रेट मिल रहा है, लेकिन कई सारे मजदूर हैं जिनको नहीं भी मिल रहा है। गलत तो नहीं कह रहा भाई? बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं मिल रहा, मेरे को कई सारे लोग मिलते हैं, वो बताते हैं जी रेट तो बढ़ा दिया आपने। ठेकेदार अपने बिल लगाता है 13,500 रुपए के हिसाब से लगाता है, हाथ में वही 4,000 रुपए रखता है और झूठे बिल पे साइन करा लेता, कराता कि नहीं कराता। और कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, गोरख धंधा बना रखा है इन डिपार्टमेंट वालों ने, कई सारे डिपार्टमेंट में हर एक साल के अंदर मजदूर निकाल के नए मजदूरों की भर्ती होती है। क्यों होती है? अब नए वालों से पैसे लेते हैं 3,000-3,000 रुपए भर्ती करने के लिए, लेते कि नहीं लेते? नए मजदूर को हमने कैबिनेट में फैसला करा, हमने कहा कोई नए मजदूरों की भर्ती नहीं होगी, जो चल रहा है अगर अच्छा काम कर रहा है मजदूर क्यों करते हो भर्ती, पैसे कमाने हैं, इसको भी बंद करेंगे। लेकिन आज मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, पूरे दिल्ली के अंदर आज बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जो मजदूरों को पूरी न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे। आज इस मंच के माध्यम से मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधारना आता है हम लोगों को। अभी हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ है, हाईकोर्ट ने कहा है न्यूनतम मजदूरी जो हमने 13,500 रुपए करी उस पे तो हाईकोर्ट ने स्टे नहीं लगाया, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि आप किसी भी कंपनी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। अगर कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहा तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। मैं उम्मीद करता हूं हाईकोर्ट का जजमेंट जल्दी आएगा। मुझे बताया गया, मैं इस मामले की पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूं, वकीलों ने मेरे को बताया है कि हेयरिंग पूरी हो गई है, जल्दी फैसला आने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है हाईकोर्ट मजदूरों के हक में फैसला देगा, और जिस दिन फैसला आ गया भाई साहब मैं उतरूंगा सड़क के ऊपर। जो ठेकेदार पूरी मजदूरी नहीं देगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उस ठेकेदार के खिलाफ। दूसरी बात, हमारी सब लोगों की कोशिश है, जितने मजदूर भाई गरीबी में जी रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो मजबूरी में कर रहे हैं, उनके पास चारा नहीं है। हम नहीं चाहते बड़े होके आपके बच्चे मजदूरी करें, हम चाहते हैं आपके बच्चे बड़े होके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, इसलिए हम शिक्षा के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों का कायापलट हो रहा है, आज सारे देश के अंदर चर्चा है कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ रही है। आज यहां जितने मजदूर हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, और आप लोगों के माध्यम से बाकी दिल्ली के मजदूरों को कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर, चाहे एक टाइम की रोटी कम खानी पड़े, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर। अगर आपके बच्चे पढ़ लिख गए, पहले आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे, प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ता था, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गड़बड़ था, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरी शिक्षा माफ हो गई है। 12वीं क्लास तक की सारी शिक्षा माफ कर दी, 12वीं के बाद आपके बच्चे जब कॉलेज जाएंगे तो उनके लिए लोन की व्यवस्था कर दी, 10,00,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो। बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में भेजो अपने बच्चों को, अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेजो, हमने व्यवस्था करी है 10,00,000 रुपए तक का लोन ले लेना सरकार से, कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोई जमीन गहने कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार आपकी गारंटी देगी। और जब आपका बच्चा पढ़ लिख के निकल जाएगा और जब उसकी नौकरी लग जाएगी तब वो लोन वापस कर सकता है, तब तक लोन वापस करने की जरूरत नहीं है। तो अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर, ये बात गांठ बांध लो, अपने बच्चों को अनपढ़ मत रखना। कई बार गरीबी की वजह से कई लोग सोचते हैं बच्चों को चलो कम उम्र में ही नौकरी पे लगा दो, छोटा मोटा कमा के ले आएगा, ये मत करना। मैं जब एनजीओ में काम किया करता था, झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था, कई लोग मिलते थे मेरे को, वो कहते थे जी सरकारी स्कूल में भेज के क्या फायदा है, बच्चा खराब होएगा, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, इससे अच्छा उसको नौकरी पे लगा दो, दो पैसे कमा के लाएगा। अब ऐसा नहीं है भाई साहब, अब पढ़ाई लिखाई होती है सरकारी स्कूल के अंदर भी,
अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है। पिछले साल हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से 10% ज्यादा आए थे, सरकारी स्कूलों के नतीजे आए थे 88%, प्राइवेट स्कूलों के नतीजे आए थे 78%। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट वालों से ज्यादा अच्छी पढ़ाई होने लग गई, तो अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर, ये जरूर करना। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, ये ठेकेदारी प्रथा खत्म करनी है अपने को, ये बहुत गलत है, इंसानियत के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, इसको खत्म करना है। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता, दोस्तों ये कहते थे दिल्ली में बिजली सस्ती नहीं हो सकती, जब हम चुनाव लड़ते थे ना मैं घर घर जाया करता था, आपको वो तस्वीर भी याद होगी अखबारों में छपी थी, मैं पोल पे चढ़ गया था, याद है आप लोगों को, मंगोलपुरी नहीं कोई और इलाका था, हाँ मंगोलपुरी में ही था। ये कहते थे बिजली की रेट सस्ते नहीं हो सकते दिल्ली में, हमने करके दिखा दिया। ये कहते थे सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, हमने करके दिखा दिया। ये कहते थे सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते, हमने करके दिखा दिया। ये कहते थे दवाइयां टेस्ट ऑपरेशन इलाज मुफ्त नहीं हो सकता, हमने करके दिखा दिया। ये कहते थे न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ सकती, हमने करके दिखा दिया। अब ये कहते कच्चे वालों को पक्का नहीं कर सकते, हम करके दिखाएंगे। दोस्तों आज ये दिल्ली की व्यवस्था ऐसी व्यवस्था बन गई है, जनता चुनती तो एक मुख्यमंत्री को है और चलती एलजी की है। आज अगर पूर्ण राज्य होता दिल्ली, भाई साहब 10 दिन के अंदर जितने कच्चे लोग हैं सबको पक्का करके दिखा देते देश के अंदर। अंदर करके दिखा देते इनको पक्का कैसे करते हैं। आज इन्होंने हाथ बांध रखे हैं, हमारे मुख्यमंत्री बना दिया और हाथ बांध दिया, कहते अब काम कर, पैर भी बांध दिया, बोले चल अब, फिर भी चल रहे हैं, पैर बांध दिया, उछल उछल के चल रहे हैं, अब कूद कूद के चल रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है, मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिल्ली वालों के हक में आएगा, जनतंत्र के हक में आएगा, डेमोक्रेसी के हक में आएगा। हक में आता है तो हम पूरे देश को दिखा देंगे कि कैसे पक्का करते हैं, मजदूरों के हक की लड़ाई कैसे लड़ी। और अगर नहीं आता तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूंगा, आंदोलन करूंगा आपको पक्का करवाने के लिए। दोस्तों आप लोगों ने 70 में से 67 सीट दी थी, इतना भारी बहुमत दिया था, आपका विश्वास, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, इसी वजह से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसी को बनाए रखिएगा। जितनी लड़ाइयां लड़नी है मिलके लड़ेंगे, मैं गोपाल राय जी, हमारे चंद मंत्री चंद विधायक, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर दिल्ली के 2 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं तो पूरी दुनिया बदल सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।